अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ रहे हैं हम सेट यूनिट नंबर 1 8 क्लास। और आज हमारी जो एक्सरसाइज है हम 1.2 1.1 हम कर चुके हैं। आपको इंटरसेक्शन का कांसेप्ट भी है और यूनियन का भी, ठीक है। और अब जो हम पढ़ेंगे कौन से ऑपरेशन या कौन से लॉस जो हैं वो हमारे सेट पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो एक तो है कमोटेटिव, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, दो डी मॉर्गन्स भी हैं। अब जो हम आते हैं तो पहला जो लॉ है कमोटेटिव, दो लॉ होते हैं, एक यूनियन का और इंटरसेक्शन का। यूनियन का लॉ है ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। ये लाइक दैट ऐसे भी है कि 1 + 2 इक्वल है 2 + 1, आंसर तो दोनों का सेम आ गया। इसी तरह ये भी है। और दूसरा जो इसका है वो है इंटरसेक्शन वाला, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये दो हमारे जो है हम कम्यूटेटिव लॉ के हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी एक यूनियन का होता है और एक जो है हमारे पास इंटरसेक्शन का। जो यूनियन का है उसमें है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मैं एक बात याद रखनी है, कम्यूटेटिव लॉ में 2 सेट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ए बी और सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी। इट्स मीन कि अगर आप पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व कर लें और उसका यूनियन इसके साथ ले लें तो आंसर जो आएगा वो जो पहले अगर ये ब्रैकेट सॉल्व करें और इसका आंसर सी के साथ लें तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। ये यूनियन का है। और इंटरसेक्शन का जो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे जो दो है, आज हम ये दो पढ़ेंगे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें उसने कहा है वेरीफाई करें यूनियन के जो दो लॉ है, कम्यूटेटिव के और इंटरसेक्शन और यूनियन के, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। वेरीफाई तो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, बाकी आप लोग खुद करेंगे। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन बी, यानी कम्यूटेटिव के दोनों लॉ दिए, इज इक्वल टू बी यूनियन ए। एंड जो सेकंड वाला है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। ये दोनों एक क्वेश्चन दिया होगा उसका ये पार्ट भी आपने सॉल्व करना है और ये प्रॉपर्टी भी आपने सॉल्व करनी है। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसमें सेट दिए हुए, उसने ए इज इक्वल टू 1 to 10 तक सारे हैं, अब देखें ये इसका डॉट का मतलब होता है कि इनके दरमियान सारे हैं, तो 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी, 8 भी, 9 भी और फिर बाद में 10। और जो बी वाला सेट दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्टी है हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, या फिर हम इकट्ठा भी लाइन लगा के सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये लाइन लाइन के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। इधर मैंने लिखा ए यूनियन बी पहले क्या राइट करेंगे ए वाला सेट। ए वाला सेट हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 10 तक सारे यूनियन बी वाला सेट। बी वाला सेट हमारे पास क्या है 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व। यूनियन का मैंने आप
यूनियन में सारे दोनों एलिमेंट जो दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन रिपीट को क्या करते हैं, वन टाइम राइट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए वन टू थ्री भी लिख लिया, फोर फाइव सिक्स, अब देखिए जो सेवन है ना वो इसमें भी इसमें लिखे लिखेंगे वन टाइम, सेवन एट नाइन टेन, और ये तो टेन तक साथ, लेकिन इसके भी हमने लिख लिया क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं। ठीक है, इलेवन एंड ट्वेल्व, ये था ए यूनियन बी। ये तो मैं सॉल्व करती हूँ बी यूनियन ए, इसके लिए पे आप इक्वल भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ए लाइन ठीक है, इज इक्वल टू अब बी यूनियन ए, तो पहले कौन सा ड्राइव करेंगे, बी वाला सेवन एट नाइन टेन अलेवन एंड ट्वेल्व यूनियन, अब कौन सा सेट ट्राई करेंगे, ए वाला, ए वाला सेट हमारे पास क्या है, वन टू टेन का, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट टेन। ठीक है, अब देखिए इसका वही प्रोसीजर है, रिपीट जो है वो वन टाइम और लिखने सारे दोनों के, तो क्या आंसर आ गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन एंड ट्वेल्व। तो अब आप देखें ये दोनों का आंसर सेम है, तो क्या हो गया हमारे पास, ये प्रूव्ड है ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए। ठीक है, अब जो इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास, दूसरी प्रॉपर्टी वो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको राइट कर लेते हैं, मैं इसी को सही करूंगी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए, साइन चेंज होने बाकी सारा वही है हमारे पास, देखें पहला पहली साइड कौन सी है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करेंगे, पहले ए वाला सेट का ऐड करेंगे, फिर ये वाली कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, और फिर कौन सा सेट ऐड करेंगे, बी वाला। अब इंटरसेक्शन मींस क्या था कि मैंने आपको बताया था वो राइट करने जो कॉमन एलिमेंट्स है, ठीक है, जो दोनों में हो सेट में, अब देखिए वन इसमें है इसमें नहीं है, इसमें ये नहीं राइट करेंगे, तो कौन से राइट करेंगे जो दोनों में है, तो सेवन है इसमें इसमें है, हाँ जी है, क्योंकि ये थ्री वन टू थ्री से टेन तक सारे सेवन लिखा एट लिखा फिर नाइन लिखा और फिर टेन, अब आपने देखना है कि इलेवन वाला है ये तो टेन पे फिनिश हो गया, तो इलेवन वाला इसमें तो नहीं है, तो इसको नहीं राइट करेंगे, क्योंकि जो है दोनों में होंगे सिर्फ हम वही राइट करेंगे। फिर है हमारा दूसरा बी इंटरसेक्शन ए, तो इधर मैंने साइन लगाया इंटरसेक्शन का, फिर पहले कौन सा सेट ट्राई किया बी वाला, फिर कौन सा क्या लगाएंगे साइन, फिर कौन सा ट्राई करेंगे ए वाला। अब इंटरसेक्शन मींस क्या है, कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट के, अब आपने क्या करना है, पहले देखना है कौन से हैं इसमें, वन नहीं है टू नहीं है थ्री नहीं है बल्कि सिक्स तक कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो क्या सेवन उसमें भी है उसमें भी है, फिर एट है फिर नाइन फिर टेन और फिर क्या है हमारे पास इलेवन है, तो उनमें नहीं, ये तो टेंथ फिनिश हो गया, इसमें है उसमें तो नहीं है, तो उसको नहीं डाइव करेंगे। तो आप देखें ये दोनों के आंसर सेम है, तो इट्स मीन कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन था, इसका दो पार्ट है, एक महीने के बाद ये आप बुक करेंगे। नेक्स्ट है वेरीफाई, आगे हमने एसोसिएटिव लॉ जो है वो करना है सॉल्व, पहला है ए पार्ट इसका x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। ठीक है, तो इसका पहला जो पार्ट है इसके दो एक इंटरसेक्शन वाला थे, लेकिन मैं ये बताऊंगी बाकी आप खुद करेंगे। x है हमारे पास a b c d, A, B, C, D, और हमारे पास जो है Y वाला सेट B, D, C, F, Y हमारे पास B, D,
सी एफ और जी वाला जो सेट है हमारे पास टेन सी सी एफ जी एच सी एफ जी एच। अब आपने ये सॉल्व करना है, पहले मैं तो पहले राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें फिर राइट हैंड सॉल्व करें, दोनों के आंसर चेक करने इक्वल है या नहीं है। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x यूनियन y यूनियन z। तो अब पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व y यूनियन z। तो देखें y वाला साइड कौन सा है हमारे पास, d b c f, ठीक है। फिर का साइन लगाएंगे यूनियन का, और फिर आपने क्या करना है z वाला साइड, z में क्या c f g और h। अब देखिए इन दोनों में आपने देखना है क्या जो है दोनों के राइट करेंगे या कॉमन राइट करेंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है यूनियन, तो इट्स मीन कि हम इनके क्या राइट करेंगे, पूरे दोनों एलिमेंट्स राइट करेंगे दोनों सेट के, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं यूनियन। तो रिपीट क्या लिख रहे हैं वन टाइम, बाकी सारे लिख रहे हैं बी डी सी एफ जी और एच, ठीक है। अब ये इतना सॉल्व हुआ है, अब इसको क्या करना है यूनियन ले लेना है एक्स के साथ। तो पहले हमने सारा राइट कर लेना है, x यूनियन y यूनियन z, ये सारी प्रॉपर्टी राइट करनी है। फिर आपने क्या लिखना है, पहले कौन सा सेट है x, तो हमने क्या राइट कर लेना है x a b c d, फिर हमने यूनियन डालना है। अब देखिए आप ये वाला जो है ये निकाल चुके हैं, निकाला वाला क्या आंसर है b d c f g और h, ठीक है। अब आपने क्या करना है इनका यूनियन लेना है, यूनियन में क्या लिखते हैं सारे ए बी सी डी एफ जी और एच, ठीक है। ये हमारी कौन सी साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में पहले हमने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है एक्स यूनियन वाई, ठीक है। एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई में हमारे पास जो है देखें पहले कौन सा सेट राइट करेंगे एक्स वाला, एक्स में हमारे पास क्या है ए बी सी डी, ठीक है। फिर क्या साइन डालेंगे यूनियन का, फिर हमारे पास कौन सा सेट है वाई, वाई हमारे पास क्या है बी डी सी और एफ, ठीक है। अब हम इनको क्या कर लेंगे सॉल्व, तो आप देखेंगे यूनियन लेंगे तो सारे लिखेंगे और फिर वन टाइम ए बी सी डी और एफ, ठीक है। अब ये इतना सॉल्व हो गया, इसका यूनियन किसके साथ लेना है आपने जी के साथ, तो आप ये सारी राइट कर लेंगे एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो देखिए पहले आप इसका तो आप आंसर निकाल चुके हैं, क्या निकाले आंसर ए बी सी डी और एफ, ठीक है। फिर आपने क्या लिखना है यूनियन का साइन डालना है, फिर आपने क्या राइट करना है सी एफ जी और एच। अब इनका आप यूनियन लेने आंसर क्या निकलता है देखते हैं, A, B, C, D, L, G, O, H। अब आप देखें दोनों के आंसर सेम निकले, सेम निकले इट्स मीन ये इक्वल है A, B, C, D, F, G, H, A, B, C, D, F, G, H। तो ये क्या हमारा प्रूव्ड है, ठीक है, कि दोनों जो साइड्स हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड, ठीक है। इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करेंगे, और अगर कुछ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, और हमारी वीडियोस को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल पाइनस मोर अपडेट्स के लिए टच रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।